शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कल हमने पढ़ा था कुंभ लग्न की कुंडली में मारक ग्रह और समग्रह के बारे में। आज कुंभ लग्न की कुंडली का विवेचन करना भी सीख लीजिए, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली का अगर विवेचन भी आपको आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा ग्रह कैसा कहाँ रिजल्ट देने वाला है, ये निर्णय करना आसान होता चला जाएगा। सारी कुंडलियों की प्रैक्टिस कोशिश करके कीजिए, अपने घर की जितनी कुंडलियाँ हैं ड्रॉ कर लीजिए, और किसी विद्वान से अगर आपको पहली बार में वह बात ना समझ में आए तो किसी भी विद्वान के पास जाकर के बैठिए, उनसे सलाह लीजिए। कुंडली का विवेचन सही ढंग से अगर सही दिशा में आपने पकड़ना है तो विद्वान की मदद लेकर के ही आप इससे ग्रहण करते चले जाइए। दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली अब आप सभी जान गए हैं, क्योंकि पहले भाव में ही 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि बनती है, यानी एक्वेरियस लग्न की कुंडली बनी। चौथे भाव में, चौथे घर में वृष राशि के राहु देवता पड़े हैं, यानी उच्च के राहु देवता पड़े हैं। पंचम भाव में, पांचवें घर में मिथुन राशि के सूर्य देवता पड़े हैं। छठे भाव में बुध देव और शुक्र देवता पड़े हैं। बुध देवता का छठे भाव में होना, शुक्र देवता का छठे भाव में होना, इसके विवेचन की जानकारी मैं आपको अभी विस्तृत देता हूँ। नवम भाव में उच्च के शनिदेव हो गए और साथ में मंगल देवता आ गए। दशम भाव में उच्च के केतु आ गए, वृश्चिक राशि के केतु, यानी उच्च देव उच्च के केतु देवता विराजमान हुए। ग्यारहवें भाव में ओन साइन के, यानी स्वग्रही बृहस्पति देवता आ गए, और बारहवें भाव में आ गए चंद्रमा देवता। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं राहु देवता से। राहु देवता उच्च के चौथे भाव में पड़े हैं। राहु देवता उच्च के चौथे भाव में पड़े होने से सारी जिंदगी जातक को अपनी दशा अंतरदशा में जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना ही एडवांटेज अवश्य देते मिलेंगे, क्योंकि वो उच्च के हैं और केंद्र में पड़े हैं। अच्छे घर में पड़े होने से, उच्चता में होने से वो बाध्य हो गए कि वो बुरा फल नहीं दे सकते। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक हार्डवर्क करके अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर कर लेता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी इम्प्रूवमेंट आती है, कामकाज का नया रास्ता खुलता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि बारहवें भाव पर डाली तो विदेश से भी कामकाज होता है, विदेश जाकर के भी जातक कोई ना कोई काम अवश्य कर लेता है। और राहु देवता चौथे भाव में पड़े हुए माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं लेने में सदैव जातक को मददगार रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। कहने वाले चाहे जितना मर्जी उसे बदनाम करते रहें, लेकिन उच्च का राहु पड़ा हुआ सदैव इस लग्न कुंडली में, इस भाव में आपको अपनी दशा अंतरदशा में एडवांटेज देता ही मिलेगा। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ वो फल विवेचन करने से पहले आप देख लीजिएगा, उतने ही पॉजिटिव परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देवता की। इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह की बात करते हैं, जो सातवें घर का मालिक है और लग्नेश का शत्रु है। पंचम भाव में पड़े होने से सूर्य देवता अगर किसी फीमेल की कुंडली में हैं तो वो अबॉर्शन तक का योग बना देंगे, यानी पहली संतान उसकी जल्दी सिरे नहीं चढ़ती। सूर्य देवता एक अग्रेसिव ग्रह माने जाते हैं, ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापी नहीं माने जाते, पापी में इनकी गिनती नहीं आती, ये देवताओं में आते हैं, लेकिन क्रूरता इतनी है कि हर चीज़ को जलाने में इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता। तो माइंड को अग्रेसिव कर देंगे, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, लव्र मास में नाकामयाबी का योग बनता है। सूर्य देवता की दशांतर दशा में सूर्य देवता अनसर्टेन लॉस अवश्य करवा देते हैं, सूर्य देवता माइंड को अग्रेसिव भी बनवा देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि सूर्य देवता ने ग्यारहवें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से भी कला क्लेश मचा रहता है। यहाँ से सूर्य देवता ने ग्यारहवें भाव पर दृष्टि डाल के लाभ में भी कमी लाते हैं और छोटी मोटी पेट में या हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अपनी दशांतर दशा में लगाई ही रखते हैं, क्योंकि सूर्य देव मारक ग्रह हैं और इस लग्न कुंडली के लिए टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की और शुक्र देवता की, जो छठे भाव में पड़े हैं।
बुध देवता इस लग्न कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, क्योंकि 6-8-12 का मालिक अगर 6-8-12 में पड़ा हो और कुंडली का लग्नेश बली हो तो वो अच्छा फल देने के काबिल बनता है। तो बुध देवता इस लग्न कुंडली में जब भी दशा अंतर दशा में आएंगे, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके जातक को चौतरफा एडवांटेज अवश्य देंगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, छठे भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का रतन पन्ना कदापि आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि वो छठे भाव के संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा अगर आपने उसको रतन पहनकर एक्टिवेट किया तो, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट चाहे विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ गई लेकिन उसका पहना हुआ रतन आपको टोटली डिसएडवांटेज देगा। उसको और ज़्यादा बलि नहीं करना है, और ज़्यादा बलि किया गया तो आपके जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। दर्शकों बात करते हैं शुक्र देवता की, जो कि चौथे भाव और नवम भाव के मालिक हैं। शुक्र देवता भी इस लग्न कुंडली में जब भी अपनी दशा अंतर दशा चलेगी, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट के इस लिटिगेशन में फंसा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो वो जातक कभी भी शुक्र की दशा अंतर दशा में अपने खर्चे ही नहीं संभाल पाता। वो जितना कमा के लाता है उतना ही खर्च पहले होने को तैयार खड़ा होता है, चाहे वो अस्पताल के खर्चे में हो, चाहे वो फजूल का व्यय हो। जितना कमाया खर्च कर करके जातक का पूरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। माता को उठा के भी रोग में रख दिया, मदर को भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं, पिता को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और पिता से मनमुटाव भी बना ही रहता है। जातक धर्म को भी जल्दी नहीं मानने वाला होता, विदेश यात्रा करके भी जातक के हाथ नाकामयाबी ही लगती है, जातक कभी सक्सेस नहीं गेन कर पाता शुक्र की दशा अंतर दशा में, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत भाव में है। और किसी विद्वान ने अगर ये कह के पहना दिया कि शुक्र कमज़ोर है, इसका रतन पहन लीजिए, कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता का रतन अगर धारण किया गया तो वो छठे भाव के सारे नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट कर देगा। यहाँ से जितनी 12वें भाव पर दृष्टि डाली उसके भी रिजल्ट नेगेटिव एक्टिवेट करके आपका जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि वैसे भी शुक्र की दशांतर दशा बहुत लंबी होती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद भी 2-4 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे ही आपकी दिक्कत परेशानियां बढ़नी शुरू होंगी, इमीडिएटली उतार करके शुक्र का पाठ पूजन शुरू कर दीजिएगा, शुक्र के आगे हाथ जोड़कर नमन करना शुरू कर दीजिएगा। पाठ पूजन किया हुआ ही शुक्र के पाप प्रभाव से मुक्ति करके आपका जीवन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। इसको कभी पहना नहीं जाता, क्योंकि ये भाव अगर गलत में प्लेसमेंट में हो तो उसी भाव को पहले एक्टिवेट कर देता है, तो जो कि आपके जीवन यापन में सदैव नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आता है। दर्शकों बात करते हैं शनिदेव की, जो कि उच्च के पड़े हुए हैं नवम भाव में, साथ में पड़े हुए हैं मंगल देवता। कुंडली देखते ही हम ये अनाउंस करते हैं कि जातक बहुत भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि लगन का लॉर्ड उठ के भाग्य में आ गया है तो सारी जिंदगी अपने भाग्य के आश्रय अपनी गाड़ी अवश्य चला लेगा। सारी जिंदगी जातक भाग दौड़ करके कामकाज कहीं ना कहीं से गेन अवश्य कर लेता है। तो शनिदेव भी इस लग्न कुंडली में एडवांटेज देते हैं, पिता की केयर करने वाला बना देते हैं, धर्म को मानने वाला बना देते हैं, विदेश यात्रा करने वाला बना देते हैं। जातक कहीं ना कहीं परमात्मा पे पूर्ण आस्था रखने वाला अवश्य होता है। यहाँ से शनिदेव ने लाभ पर दृष्टि डाली तीसरी, तो लाभ की कमी कभी नहीं आती। यहाँ से शनिदेव ने सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो जातक को मेहनती अवश्य बना देती है। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके जातक के जीवन यापन में चौतरफा लाभ अवश्य देती है। हाँ, वो बात सदैव याद रखिएगा कि परसेंट ऑफ रिजल्ट्स जितने होंगे वो ग्रह का अंश बताएगा कि आपको कितने परसेंट अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपके जीवन यापन में जब शनि की दशांतरा चलेगी। तो बात करते हैं दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता भी इस लग्न कुंडली में तीसरे और दशम के मालिक होकर के
पिता के घर में। ऐसे जातकों को अक्सर एडवाइज़ किया जाता है कि अपना कामकाज अगर पिता के अंडर रह करके, पिता से जुड़ करके, पिता की सलाह से, पिता को साथ लेकर के कर लोगे तो सदैव आपके कामकाज में आपको बढ़ोतरी होती ही मिलेगी, क्योंकि कामकाज के लॉर्ड का पिता में आना पिता की सपोर्ट से सदैव कामकाज में बढ़ोतरी करता ही मिलता है। कामकाज पिता के बिना पूर्णता कभी चल ही नहीं पाता। पिता की सपोर्ट कामकाज को एडवांटेज दिलाने में बाध्य हो जाती है। दर्शकों, बात करते हैं केतु देवता की। केतु देवता उच्च के पड़े हुए वृश्चिक राशि के, स्कॉर्पियो राशि के उच्च के दशम भाव में। जब भी केतु की दशा अंतरदशा चलेगी, अपनी दशा अंतरदशा में केतु देवता कामकाज को नया रास्ता देंगे, कामकाज के लिए नए एडवांटेज देकर के, कामकाज का नया रास्ता देकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होंगे। कामकाज में नई ऊंचाइयां देने में केतु देवता बाध्य होते हैं। यहाँ से केतु देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन कुटुंब वाणी की कमी कभी नहीं आएगी, धन का अभाव कभी नहीं आएगा। वाणी सदैव बहुत अच्छी और डिप्लोमेटिक वाणी बोल लेगा, जिससे काम निकलवाना होगा वो निकलवा जरूर लेगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। यहाँ से केतु देवता ने जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करके एडवांटेज जरूर देगा। यहाँ से केतु देवता ने जितनी छठे भाव पर नौवीं दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा, और जातक को कंपिटिशन क्लियर करवा करके चौतरफा लाभ अवश्य देगा। बात करते हैं दर्शकों बृहस्पति देवता की। बृहस्पति भी इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और अपने ही कारक भाव में स्व राशि के प्लेस्ड हैं, यानी ओन साइन के प्लेस्ड हैं। जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलेगी, जातक को धन की कमी कभी नहीं आने वाली, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलने वाली है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो बृहस्पति की ही दशांतरा में चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने मेहनत पर दृष्टि डाली तो जातक को मेहनती अवश्य बना देंगे, छोटे भाई बहन से सपोर्टिव भी मिलेगी पिलर, वो बनेंगी जातक की सपोर्ट। यहाँ से बृहस्पति देवता ने पंचम भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, ज्ञानवान पर्सनैलिटी, सूझवान पर्सनैलिटी, हर बात सोच समझ के करने वाला, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ पंचम भाव के जितने भी एडवांटेज होंगे वो जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजेस में भी एडवांटेज मिलेगा बृहस्पति देवता के लिए, पार्टनरशिप में भी एडवांटेज मिलेगा, दाम्पत्य सुख में भी चौतरफा लाभ अवश्य देंगे बृहस्पति देवता। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की। अब कल हमने पढ़ा था कि चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली के मारक ग्रह हैं, लेकिन 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में हो और लग्नेश बली हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति में आता है, तो यहाँ चंद्रमा देवता भी विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए हैं। अपनी दशा अंतरदशा में विदेश से लाभ दिलवाएंगे, विदेश में नौकरी करवा सकते हैं, हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जातक को कंपटीशन क्लियर करवा करके अच्छे डेजिग्नेशन में पहुँचाने में मददगार जरूर सिद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि वो विपरीत राजयोग में आकर के बन गए हैं कि अच्छे रिजल्ट्स अवश्य देंगे, लेकिन कारक ग्रहों का ही स्टोन पहना जा सकता है। अब इस लग्न कुंडली में शनिदेव का नीलम पहना जा सकता है। शनिदेव के नीलम के अलावा इस लग्न कुंडली में कभी भी कोई भी रतन धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्णता योग कारकता की पदवी में एक शनिदेव ही आते हैं। ना ही बुध का रतन धारण करने की गलती कीजिएगा, ना ही शुक्र का रतन धारण करने की गलती कीजिएगा, वो धारण किया गया छठे भाव को एक्टिवेट करके सबसे पहले नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।